वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉग जिंदगी में जहाँ जबरदस्त किस्म की रेसिपीज बनती हैं, साथ साथ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। हेल्थ के बारे में बात करते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर के बारे में बात करते हैं और हेल्थ के बेसिकली इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। कल बहुत ज्यादा सवालात हमें मौसूल हो रहे थे कि डॉक्टर खुर्रम ने सब लोगों को वेट लॉस के लिए एक मेडिसिन बताई है, उसका नाम बहुत सारे लोग जो हैं वो मिस कर चुके हैं। अभी डॉक्टर साहब से वो चीज भी पूछेंगे। एक कॉलर भी हमारे पास आई थी और उन्होंने बोला था कि रोज पेटल्स का इस्तेमाल करके कोई ट्रीटमेंट जो है वो कल डॉक्टर खुर्रम मुशीर ने हमारे साथ शेयर की थी, उसको रिपीट कर दिया जाए। तो देखने वाले गौर से सारी डिटेल्स जो है सुन लें और बहुत डिटेल में बड़े आराम आराम से आपको स्पेलिंग के साथ डॉक्टर साहब जो है अभी मेडिसिन के बारे में बताएंगे और कौन से अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, वो भी अभी सारी बातें आपके सामने क्लियर करेंगे। आप सबकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक ठाक अल्लाह का जी। तो आज बड़े सवाल जमा हो गए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले मैं एक बड़ा अच्छा आपकी रिजुविनेशन के लिए कि बड़ी अगर वीकनेस होती है और आप वेट कम भी करें और आपकी बॉडी बड़ी मतवाजन भी रहे, ठीक है। अच्छा, वेट गेन करना बड़ा एक जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा ईजी काम है और वेट लूज करना वो बाकी बड़ा मुश्किल और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ी एफर्ट आपको दरकार होती है और जितनी मेहनत करते चले जाएंगे उतनी जल्दी वजन कम होगा। बहुत सिंपल सा, अच्छा एक तो मैं ब्लड के लिए कि आपका ब्लड प्योरीफायर भी हो, बहुत सारा ताजा ब्लड बने भी, और उससे भी बढ़कर बात यह कि जब आपका ब्लड हो तो वो आपके चेहरे पे छलके भी, जो नुमाया आपकी खूबसूरती को एनहांस करे, जो भी आपके फीचर्स हो, मगर अगर आप केयर करते एक अच्छी तरह से तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। देखिए बहुत सिंपल था, आप क्या करें, तकरीबन एक पाव आप आजकल मौसम में या तो आप अनार ले लेंगे, ठीक है, या फिर आप ले लेंगे शहतूत ले लेंगे, ठीक है, या कोई भी मौसम का फ्रूट है वो लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से गाढ़े दूध में एक पाव जो फ्रेश मिल्क होता है गाय का ताजा दूध उसके अंदर अच्छी तरह से बिल्कुल क्रश कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ 2 चम्मच अदरक का मुरब्बा, ठीक है, या हम अदरक का जो पेस्ट डालते हैं, ठीक है, वो डालिएगा, ठीक है। उसके साथ ऐड कीजिएगा 1 से 2 टेबलस्पून ब्राउन शक्कर या शहद या गुड़, ठीक है, और अगर गुड़ मेवे वाला हो तो क्या बात है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके खूब पकाना शुरू करिए और पकाने के दौरान हिंट चुटकी कलौजी डालिएगा, ठीक है, खूब अच्छी तरह से मिक्सचर बनाइएगा, इतना पकाएं कि ये बिल्कुल एक मलगूबा टाइप बन जाए, ठोस सॉलिड फॉर्म में आ जाए, और सुबह शाम 1-1 टीस्पून खाएं। साथ में आप सत्तू का इस्तेमाल करें, सत्तू डेफिनेटली गर्मियों के लिए होता है मगर अगर आप सर्दियों में पियेंगे तो उसे एक तो आपको मैदे की जलन, तेजाबियत, एक्नी, मिलाजमा सब में बड़ा सर। बिल्कुल मिसेस इरफान एक बार फिर शायद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, वही मिसेस इरफान है। अच्छा जी, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दूसरी वाली मिसेज इरफान है क्योंकि मिसेज अच्छा जी, भी अभी यही कह रहे थे कि आपकी कॉल अभी आई थी, मेरे ख्याल मैं तो फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ किसी भी प्रोग्राम में और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की और मेरी कॉल मिलती है। वेलकम टू जॉग जिंदगी, खुश आमदी जी। आप बड़ी खुशकिस्मत है, अपना सवाल पूछ लीजिए जी। मैंने ना डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है और मेरे कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे आप इतने अच्छे लगते हैं ना कि मीन के आप जिस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये वो और आपका प्रोग्राम और इवन के मुझे आपके शेफ की कुकिंग शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं ये शेफ, मैं उनको भी बहुत कहना चाहती हूँ कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है और आपका प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम है, मैं कहूँ की सबसे ज्यादा अच्छा। माशाल्लाह, मैंने खून बढ़ाने की चीज बताई थी, ये अगर मिल जाए तो इससे ऐसे ही बढ़ जाएगा और इतना बड़ा कि दोनों जो है डोनेट कर सकते हैं ना एक एक बोतल, समय को समय करना पड़े। मेरा मसला ये है कि मेरी अभी शादी को 1 साल हुआ है, मेरी एज 23 है जी, और लेकिन ये है कि मेरे फेस पे ना ब्राउन कलर के जैसे पहले दाने के बाद स्पॉट, मेरे फेस पे दाने नहीं है लेकिन जी निशान स्पॉट पड़ जाते हैं बिल्कुल जी, और वो कभी आते हैं, ये नहीं है कि परमानेंटली वो रहते हैं right. बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन रहते कभी आ जाते हैं और कभी खत्म हो जाते हैं और फेस के ऐसे ना डल डल सा हो गया आफ्टर मैरिज ज्यादा, ये नहीं हुआ है, ये ग्लो नहीं है जी बिल्कुल मैं आपको जी। और लेकिन ये एक और बात बता, मेरे हस्बैंड इतने कॉन्शियस है ना ये जो मींस के फेयर कॉम्प्लेक्शन के बारे में और मुझे नहीं लगता कि मैं वो सेटिस्फाई इस चीज से कि उनकी वाइफ बड़ी है। अरे नहीं, आपको मैं ऐसा मिक्सचर बताऊंगा कि अभी कॉन्शियस है ना, अभी 2 महीने बाद वो जेलस हो जाएंगे, जेलस हो, ठीक है, जलाए और खाए बिल्कुल बिल्कुल बेसिक करिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये क्या बात कर दी उन्होंने, बस अब तो चैलेंज आ गया और मिसेस इरफान को कॉन्शियस रहने दे, उन्हें
पहली जनवरी को वो जेलस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये शादी के बाद ही सारे स्पॉट्स आ जाते हैं, उनसे बोले पहले तो ऐसी नहीं थी मैं। नहीं नहीं उनको और अभी देखिए जब वो और अच्छी लगेंगी ना तो वो और कॉन्शियस होंगे, ये तो बहुत गोरी हो गई, तो इतनी गोरी तो अच्छी नहीं लगती, मैं तो सांवली होती तो अच्छी लगती। अभी उनको जलाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये बड़ा जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, अगर आपको एक्नी के मार्क्स रह गए, आप ग्लो चाहते हैं, ये देखिए बड़ी सिंपल तरीन रेसिपी है, ठीक है। ये देखिए आप लेंगे सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, एक से दो टेबलस्पून, ये इस तरह का स्पून, ठीक है, ये वाला स्पून, ठीक है, ये वाला इतनी इस साइज में, दो टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, चार टेबलस्पून रोज वाटर, फुल क्रीम योगर्ट, अनपेस्चराइज्ड हनी, शहद, एक से दो बादाम इसके साथ ऐड कीजिएगा, बहुत सारी क्वांटिटी में आपको मिलेगी। आपको किसी परचून की दुकान पे जाएंगी, उनसे कहेंगी जी मुझे स्पेनिश एप्रिकॉट, स्पेनिश एप्रिकॉट होती है वो डिफरेंट, वो बिल्कुल मेडिटेरेनियन ओरिजिन की होती है, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता है स्पेनिश एप्रिकॉट ऑयल, ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है तो आप पाकिस्तानी एप्रिकॉट ऑयल ले सकती है, ठीक है। इन तमाम चीजों को साथ मिलाकर इसके साथ ऐड कीजिएगा विटामिन ई, अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, पूरे चेहरे पे ब्रश से आप पेंट करेंगी रोजाना, ठीक है, और रोज वाटर ऊपर से स्प्रे करेंगी, सुबह को आराम से आप उपटन से ना मुंह धो धो के उतारेंगी, ठीक है, बहुत जल्दी स्पॉट जाएंगे। और जो मैंने आपको ब्लड का बताया मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, उससे आपका बड़ा ब्लड बनेगा, ये दोनों चीजें करें आप देखें खून कितना बनेगा और पूरा चेहरे पे ग्लो आएगा, और खून बनने से आपका हेयर लॉस जो है वो कम हो जाता है, बिल्कुल 100% आपका जितना ब्लड अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स आपके फ्लो करेंगे समय उतना, देखिए कि आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और बड़ा जबरदस्त ग्लो आएगा, बिल्कुल। और ब्रेक का टाइम आ चुके हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दो सवाल जो है उनके जवाब देंगे, एक तो मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे वेट लॉस के ऊपर, और भी यहाँ पे सवाल मौजूद है, ब्रुनाई से एक सवाल आया है उसका भी हम जवाब देंगे, आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, डॉक्टर खुर्रम आप डिटेल में जरा स्पेलिंग के साथ उस मेडिसिन का नाम बता, मेडिसिन का नाम बताता हूँ, वरना लोग अब फिर पथराव करेंगे। नहीं 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 तो ये बड़ा देखे, अच्छा वेट कम करने के लिए दो चीजें फौरन बताता हूँ, फिर एक आज बड़ा ही मतलब इतनी एक्सेलेंट चीज लाया हूँ रंग गोरा करने के लिए कि अब ये तो एंड होगा, मतलब अब वो कहते ना एंड होगा उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा, तो ये मिसेज इरफान ये भी सवाल, मिसेज इरफान के लिए जल्दी से बता दो तो फिर वो मैं वेट का बताऊं, वो हमने बता तो दिया, बता दिया ना, हाँ, बता उनको बता दिया। एक और चीज बताता हूँ बड़ी अच्छी, क्या करना है, एक से दो चमचे आप लेंगे अंगूर का सिरका, ठीक है, उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में आप डालेंगे डाइल्यूटेड वाटर, डाइल्यूटेड डिस्टिल वाटर, ठीक है, बिल्कुल डिस्टिल वाटर डालिएगा दो चमचे, बिल्कुल शफाफ पानी, ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा एक टमाटर का जूस, एक क्यूकम्बर का जूस, एक पूरा आलू का जूस, इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, जब ये बिल्कुल मिक्सचर बन जाए एक चमचा आप डालेंगे चने का आटा, ठीक है, चने का आटा मिक्सचर बना दें और बिल्कुल हल्का हल्का इसे पूरे चेहरे पे मसाज करें, 40 मिनट लगा रहने दें बिल्कुल सूख जाए और उसको आराम से चेहरे से छुड़ाएं, तो आप देखिए बिल्कुल आपके चेहरा रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे होता है ना कि आपको लगता है आईना जैसे रोशनी, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट, बहुत अच्छा। अच्छा देखिए एक बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ जिसका आप चूरन बना के सुबह दोपहर रात एक कप, या तो आप शहतूत के जूस के साथ, ठीक है, या दूध के साथ, दूध में थोड़ा सा डालिएगा हल्दी, ठीक है, बहुत सिंपल सा, देखिए 50 ग्राम गुड़ मार बूटी, ठीक है, 50 ग्राम ड्राइड करेला, 50 ग्राम जामन के बीज क्रश्ड, मेथी दाना 50 ग्राम, कलौंजी और काली मिर्च 25-25 ग्राम, अच्छी तरह से ग्राइंड करें, मिक्सचर बनाएं, एक एक चुटकी सुबह दोपहर रात दूध के साथ या सत्तू के साथ खाएं, बिल्कुल आपका वजन तेजी के साथ डाउन होना शुरू होगा, एक्सरसाइज करनी है, रोटी चावल शक्कर कम, और थोड़ा पुशअप्स लगाएं, थोड़ा आपको एब्डोमिनल्स बताएं, नी हगिंग बताइए, ठीक है, एक जगह कॉन्स्टेंट साइकिलिंग बताइए, एक उसके अंदर ऐड करना चाहें तो जैसे आपका वेट और कम होता चला जाएगा, ये देखिए एक छोटी सी टिपिकल एक्सरसाइज है, अगर आप ये करते चले जाएं तो उसकी जल्दी आप देखें कि विद इन टू मंथ्स इससे पहले नहीं होगा, ये देखिए बहुत ही सिंपल था, आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आप उसे पूरी आपकी कमर भी मजबूत होगी, ये दो चीजें आप, ये तो बहुत ही सिंपल है, मेरा ख्याल है हर किसी के घर में दीवार होगी, ठीक है, दीवार के साथ आप लग के, ठीक है, टांगे जैसे आगे पीछे आगे जैसे आप फाइट करें दीवार से, ठीक है, एक रेजिस्टेंस होती है, ऐसे बहुत तेज से कैलोरीज आपकी बर्न होती है, ठीक है, ये देखिए दीवार पे आपने हाथ लगा दिए, गिरेंगी भी नहीं, कमर का दर्द भी नहीं है, कोई घरों में दीवारें नहीं है वो क्या करें, वो छत पे जाके टकराए ना, छत पे जाके रेजिस्ट करे, छत को रोके, गिरने से बचाए, जलजला समझे कि जलजला आया हुआ है तो उसको ये करे, मजाक की बात है ना।
बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ट्रेडमिल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अच्छा पता है, मशीनें देखने से सुमैया कभी वजन कम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में 50 लाख रुपए की मशीनें रखी हैं और सिर्फ रखी हुई और आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो उससे कम नहीं होगा, आपको उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी जी। तो डॉक्टर खुर्रम, प्रेशर हार्ट जो है, हमारी यहाँ पर एक व्यूअर हैं, आपने भी रंग गोरा करने के बारे में पूछा था, अभी आपका सवाल मैंने पढ़ा, उसका जवाब तो डॉक्टर खुर्रम ने दे दिया है अभी जी। और साथ साथ विनय से जो हमें एक हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने ये हमसे सवाल पूछा था कि आ जाना यहाँ, आ जाते खाना शुरू करते हैं साथ में। वेरी गुड। हाँ जी, तो उन्होंने ये पूछा था कि डैंड्रफ का बहुत ज्यादा इशू है, जो ट्रीटमेंट्स आपने जो बताई हैं जिसमें हर्ब्स इस्तेमाल होती हैं, वो हर्ब्स विनय से इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में फौरन मैं उनको बड़े फौरन बताता हूँ। अच्छा देखिए, ब्रुनाई जो है वो तो मलेशिया के पास, इंडोनेशिया के पास ऐसी जगह है कि जहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे इंडियन भरे हुए हैं, ठीक है। और जो मलेशियन खाने होते हैं, जो थाई खाने होते हैं, उनकी हमारी रेसिपीज मिलती है। अच्छा एक सिंपल तरीन बताता हूँ, जो सदर्न इंडियन टिप भी है, और सदर्न इंडियन बहुत सारे हैं ब्रुनाई भी, ठीक है। कड़ी पत्ता, ठीक है, पहले आपको बताया था, कड़ी पत्ता तकरीबन आधा किलो कड़ी पत्ता आप एक बड़े से पैन में पानी में खूब उबाले, इतना उबाले कि पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब होके बिल्कुल एक मलीदा बन जाए। उसमें आपने कड़ी पत्ता निकाला, आधा किलो नारियल के तेल में इतना पका के जलाया कि वो जल के बिल्कुल चूरा चूरा हो जाए, या मूली का तेल, वो भी अवेलेबल काम होगा, उसके अंदर मिक्स किया आपने, ठीक है। जब ये तैयार हो गया, 10 से 12 लौंगे ऐड की, क्रश करके धूप में रख दिया एक हफ्ता, और उससे आप खूब बालों की मालिश करें। शैम्पू सेलेनियम सल्फाइड 2.5%, इतनी सी बोतल, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो उनकी करेंसी होती है मलेशियन करेंसी में, तो बता सकता हूँ कि 2 रिंगिट्स की आती है, ठीक है, 2 रिंगिट की आती है, ठीक है। उससे आप बाल धोएं और एक टैबलेट खाएं हफ्ते में एक दिन, बैक टू केयर, ठीक है, सिर्फ एक खाइएगा टोटल और आप देखेंगे। बिल्कुल, और टाइम बिल्कुल शो का खत्म हो चुका है, फौरन से देखने वालों को बता देती